हेलो एवरीवन, मैं मीना स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में ये ब्यूटीफुल सा करवा चौथ मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। इसे आप दुर्गा पूजा पे भी क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट देना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश किया, देन मैं अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। अब मॉइस्चराइज़र के बाद मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी, और ये मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन मेरे डर्मालॉजिस्ट ने दिया था क्योंकि मुझे स्किन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है डिलीवरी के बाद में। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे कुछ दवाएं लिख के दी हैं अलग से, मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन वगैरह। तो आजकल मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। देन यहाँ पे होठों को मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया। अब यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर लिया है। बजट फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छा है। आप इसे अगर लगाते हो ना तो आपको मॉइस्चराइज़र वगैरह भी लगाने की नीड नहीं होती क्योंकि 3-in-1 है। आपके प्राइमर, मॉइस्चराइज़र और सारी चीज़ों का काम एक ही साथ कर देता है। अब यहाँ पे मैं फाउंडेशन लैक्मे का ले रही हूँ, जो बेसिक वाला है। अब यहाँ पे इस तरह से डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेना है और फिर उसके बाद बेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करना है। और जो भी बिगनर्स हैं वो डॉट डॉट करके ही फाउंडेशन लगाएं। इससे क्या होता है कि थोड़े थोड़े अमाउंट में फाउंडेशन लगता है, आप इजीली ब्लेंड कर पाते हो, आपका मेकअप केकी वगैरह नहीं होता। अगर डायरेक्ट बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा लेते हो तो ब्लेंड नहीं अच्छे से होता है और वही मेकअप बाद में जाके फट जाता है या फिर केकी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर ले रही हूँ। तो इस तरह से अपने हाई पॉइंट पे कंसीलर अप्लाई करूँगी। अगर आपकी पिगमेंटेशन वगैरह ज़्यादा है तो आप कलर करेक्टिंग भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं किया है। तो इस तरह से अब कंसीलर को मैं सेट होने दूंगी 5 मिनट के लिए। तब तक टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। मैं आईब्रो फिल कर लूँगी। आईब्रो फिल करने के लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ले रही हूँ आईब्रो पेंसिल, जो कि मेरा फेवरेट है, मैं यही यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है। अगर आप मेरे जैसी आईब्रो हैं, थिन है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करना, हाईली रिकमेंडेड है। तो इस तरह से कॉम कर लिया ताकि जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है निकल जाए और जो आईब्रो है मिल लगे। अब देखिए, कंसीलर की कवरेज अगर आप और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो उसको लगाने के बाद 5 मिनट आप छोड़ दीजिए तो उसकी कवरेज काफ़ी बढ़ जाती है, आई कवरेज आपको देती है। तो देख सकते हैं इस तरह से आप ये ट्रिक यूज़ करिएगा। जब भी कंसीलर आप लगाएं, आप लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं तो 2 मिनट छोड़ के देखिएगा, बहुत अच्छी कवरेज आपको मिलेगी। तो इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर पिक किया है, रेडिश ऑरेंज कलर है, और इस तरह से मैं अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे इनसाइड का लिप पाउडर लिया, उसी में से मैंने ले लिया। मैं इधर उधर से काम चला लेती हूँ। अगर आपके पास भी नहीं है तो आप लिपस्टिक वाइज ब्लश यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी ब्लश वगैरह जो भी आपका मन हो वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी अच्छे से। अब आई मेकअप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला आई शैडो पैलेट हुडा ब्यूटी का लिया है, और कई सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा आई शैडो पैलेट है, तो ये ड्यूप पैलेट है। इसका ओरिजिनल जो पैलेट है काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती बिकॉज़ अभी मेरा चैनल चल नहीं रहा है। और हाँ, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, चैनल चलने लगेगा, तो मैं वो भी खरीद ही लूँगी आगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने बी का शेप दिया स्मॉल ब्रश की हेल्प से। अब वहीं पे प्रोडक्ट को मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ऊपर नीचे नहीं जाना है, बस उसी जगह पे आपको प्रोडक्ट के ब्लेंड करना है। बिगनर फ्रेंडली आई मेकअप मैं बता रही हूँ। अब थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड लेके क्रीज लाइन पे मैं अप्लाई कर लूँगी, और आउटर बी पे ब्राउन शेड लेके मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा फिर रेड शेड लेके मैं वहाँ पर ब्लेंड करूँगी। अब यहाँ पर एक सिमरी शेड लिया है, ये शैम्पेन शेड है, सिमरी शेड। इसको मैं लेके अपने 1/3 लिड तक अप्लाई कर लूँगी इस तरह से, और बाद में एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी, कट क्रीज का शेप दे दूँगी ताकि आई मेकअप अच्छा दिखे। बहुत ही 3 स्टेप में बहुत ही अच्छा ये आई मेकअप है। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई डाउट होता है, तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप DM वगैरह करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे काजल लगा रही हूँ। काजल मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ब्लू हेवन का 24 लॉन्ग स्टे काजल। तो यहाँ पे इस तरह से लगाने के बाद स्मच कर दूँगी मैं। और हाँ, ब्राउन शेड मैंने अपने लोअर लैश लाइन के नीचे लगा लिया था, वाटर लाइन के नीचे, फिर काजल लगाया, फिर उसको स्मच कर दिया। अब मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर मैं यहाँ पे
इस तरह से लगा रही हूँ। आप चाहें तो बिंग बना सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल है, थिक थिन जैसा लाइनर आप चाहिए अपने पसंद के अकॉर्डिंग लगा लें। मैं यहाँ पे लिटिल विंग ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि वही मेरे आईज़ पे अच्छा लगता है। और इस तरह से पतला सा लाइनर लगाया, बहुत मोटा नहीं लगाया है, और बस इस तरह से मस्कारा लगा लूँगी। आज मैंने सोचा था गाइज बहुत ही सिंपल सा मेकअप करूँगी, बट मेरे साथ ऐसा होता है ना, जब भी मैं मेकअप करने लगती हूँ मैं सोच के कुछ रखती हूँ, हो कुछ और जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ और सोचा था बट मैं कर कुछ और रही हूँ। बहुत ही लाइट आई मेकअप सोचा था बट थोड़ा सा ग्लैम हो गया। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि लाइट करने का जाती हूँ और वो बोल्ड हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, स्विस ब्यूटी का मैंने लिया है ये लिक्विड आई शेडो है, इसको मैं अपने सेंटर आईलिड पर लगा के ब्लेंड कर दूँगी। जल्दी से लगा के जल्दी से ब्लेंड करना, नहीं तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। पहले एक आईज़ में लगाइए, फिर ब्लेंड कर लीजिए, फिर दूसरे आईज़ में लगाइए। तो इस तरह से अब मैं इनसाइड का हाइलाइटर लगा रही हूँ। क्या कमाल का हाइलाइटर है, मैंने बहुत सारे हाइलाइटर यूज़ किए बट मुझे इसके जैसा और कोई हाइलाइटर जमा ही नहीं, मुझे बहुत पसंद आया है। एक तो इतना अफोर्डेबल है कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। पूरे हाई पॉइंट पे लगाया, फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने फेस को शेप दे रही हूँ। एक्चुअली मेरा ब्रॉन्जिंग कंटूरिंग करने का कुछ मन नहीं था बट मैंने थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके इस तरह से चीक पे और नोज़ पे हल्का हल्का सा कंटूर कर लिया। बस इस तरह से अब मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। और अगर आपके पास ब्राउन लिप पेंसिल नहीं है तो अपनी, अगर आपके पास ब्राउन कलर की आई पेंसिल है मतलब आईब्रो पेंसिल, तो उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने आई शेडो पैलेट से कोई भी ब्राउन शेड लेके लिप बाम लगाइए और उससे आउटलाइन कीजिए, फिर अपनी मनपसंद लिपस्टिक लगा लीजिए। यहाँ पे रेड शेड लिपस्टिक मैं ब्लू हेवन की अप्लाई कर रही हूँ, काफ़ी बोल्ड है, अच्छी लग रही है। अब देखिए आई मेकअप थोड़ा बहुत होता है तो मैसी हो जाता है, तो उसको इस तरह से आप शार्प कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं कंसीलर की हेल्प से। तो कंसीलर लगा के थोड़ा थोड़ा फिंगर की हेल्प से, फिंगर टिप की हेल्प से मैं इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। देखिए अब आई मेकअप कितना क्लीन लग रहा है, एकदम प्रोफेशनल लग रहा है ना। तो ये हो गया, अब इतना बढ़िया मेकअप किया है तो इसको सेट करना भी बनता है ताकि मेकअप हमारा लॉन्ग स्टे करे। तो इस तरह से इनसाइड की मेकअप फिक्सर से सेट कर लिया और ये रहा फाइनल लुक। कुछ इस तरह से मैंने आज डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई की है विथ गजरा, गजरा नहीं एक्चुअली मैंने इसमें भी जुगाड़ लगाया है। मेरे पास ऐसे कुछ जो फ्लावर होते हैं ना वही पड़े थे, तो उससे ही मैंने कुछ जुगाड़ बना लिया है। और अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं इसका शॉर्ट डाल दूँगी, शॉर्ट हेयर स्टाइल मैं पूरा शेयर करूँगी, तो वहाँ आप हेयर स्टाइल शेयर कर दीजिएगा। तो मैसी बन बना के मैंने इस तरह से दो वाइट फ्लावर लगा लिए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और रेड वाइट का कॉम्बिनेशन देखिए, जैसे मेरी वाइट साड़ी और रेड ब्लाउज, इस तरह से ज्वेलरी। गले में मैंने नेकलेस नहीं वेयर किया, एक्चुअली मैं पहनने जा रही थी बट मुझे कुछ जमा नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जा रहा था क्योंकि मांग टीका पहना था ना, तो नेकलेस मतलब गला थोड़ा सा खाली रखो तभी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने नेकलेस नहीं पहना, आप चाहें तो नेकलेस या फिर लॉन्ग मंगलसूत्र डाल सकते हैं, मैं अपना डेली वेयर वाला ही मंगलसूत्र डाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरा मेहनत पसंद आई होगी। क्लोजअप मैं दिखा दे रही हूँ, आई मेकअप पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, पूरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। तो अगर आप न्यूली ब्राइड हो तो इस करवा चौथ ये वाला लुक क्रिएट करना, सर पे पल्लू डाल के भी बहुत ज़्यादा जम रहा था। तो सभी लेडीज़ के लिए मेकअप लुक है, सब लोग इसको ट्राई करिएगा, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, बहुत ही सुंदर दिखने वाली हैं। गाइज इस वीडियो को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय।